सारी खासियत है सूर्य मंदिर की। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूर्य मंदिर जाते हुए मोढेरा के सूर्य मंदिर में 3D प्रोजेक्शन सुविधा होगी और सौर ऊर्जा से चलने वाला 3D प्रोजेक्शन को पीएम मोदी लोगों को समर्पित करेंगे। खास बात यह है कि सूर्य मंदिर में ये जो 3D प्रोजेक्शन सुविधा स्थापित की जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को समर्पित करेंगे, गुजरात की जनता को समर्पित करेंगे। गुजरात इससे पर्यटकों को खास तौर पर मोढेरा का जो इतिहास है उसे आसानी से जानने में मदद मिलेगी। मंदिर परिसर में हेरिटेज लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ सकते हैं और शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लोग मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। हेरिटेज लाइटिंग के जरिए जो इतिहास है मंदिर का उसे बखूबी समझाया जा सकेगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद हाथ हिलाकर लोगों के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। सुधाकर दास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, हम ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये बहुत कुछ बयान कर रही हैं, प्रधानमंत्री के की एक झलक पाने के लिए लोगों में जो जज्बा है। अभी मोरेश्वरी माता मंदिर के दर्शन के बाद अब प्रधानमंत्री सूर्य मंदिर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और जो सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ है, जो जज्बा है, जिस तरह से लोग हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, एक के ऊपर एक उछलकर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक मिल जाए, ये बहुत कुछ बयान करता है। जी बिल्कुल, देखिए और बहुत महत्वपूर्ण 3 दिनों का उनका गुजरात का दौरा है और आप देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो 21 साल सुशासन की एक तरह से कह सकते हैं आप गवर्नेंस के जब वो सार्वजनिक जीवन में आए थे वो उन्होंने पूरा किया है 7 अक्टूबर को और उसके बाद वो गुजरात का उनका दौरा हो रहा है और गुजरात को जिस तरह से उन्होंने सजाया था और जब वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान खास तौर से जिस ऊंचाई पर गुजरात को उन्होंने